लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को लेकर पिछले साल दिसंबर तक जहां बैठकों का दौर चला था, वहीं 2024 की शुरुआत में ही इस गठबंधन की कलई खुलती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बिहार में एंट्री करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल होने की चर्चा थी, जिसको जेडीयू ने खारिज कर दिया। इसके बाद इस गठबंधन की दरारें सामने आने लगी। वहीं बिहार में जो भी राजनीतिक हलचल चल रही हैं, उसके बाद से बिहार में किसी बड़े राजनीतिक उलटफेर को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इस बीच खबर आई है कि राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल न होने वाले नीतीश कुमार अब 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। सर्दियों के चलते बिहार का मौसम भले ठंडा हो, लेकिन इन दिनों सियासत का तापमान चढ़ा हुआ है। इस बीच नीतीश कुमार के बीजेपी की रैली में शामिल होने की खबरों ने अटकलों को और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि 4 फरवरी को पीएम मोदी बेतिया के सुगौली में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। वहीं तमाम राजनीतिक हलचल के बीच गुरुवार को दोपहर के बाद मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई और नीतीश कुमार पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी दिल्ली रवाना हो गए हैं। सीएम आवास में नीतीश कुमार ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, मंत्री विजय चौधरी, संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है। हालांकि बैठक में क्या बात हुई, इसकी जानकारी किसी नेता ने मीडिया को नहीं दी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी दिल्ली रवाना हो गए। माना जा रहा है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर वे दिल्ली गए हैं और रात को पार्टी के बड़े नेताओं से मिलेंगे। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जिस फ्लाइट से चौधरी गए हैं, उसी फ्लाइट से जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी भी दिल्ली रवाना हुए हैं।